ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बी एस सेकेंड ईयर की क्लास में आज का टॉपिक है स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हमने आपको स्विट्जरलैंड के संविधान या स्विस के संविधान और संविधानवाद के बारे में बता दिया था। अब बात आती है कि स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं क्या है। तो जैसा कि हमने अभी बताया था आप लोगों को कि स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं में सबसे फर्स्ट विशेषता है वो है लिखित व कठोर संविधान। सबसे फर्स्ट विशेषता एक तो लिखित संविधान है और दूसरी बात कठोर है। और यहाँ का जो संविधान है वो लिखित और इसमें 197 अनुच्छेद है। इसमें क्या है 197 अनुच्छेद है एंड आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन 197 की बात होगी, 197 आर्टिकल्स 197, ठीक है। 197 आर्टिकल्स है और ये क्लियर माना जाता है कि जैसे यह देश का सर्वोच्च विधि है। सभी देश की सर्वोच्च विधि एक तरह से संविधान को ही माना जाता है। विधि मतलब कानून, कानून ही सर्वोच्च होता है। और इसकी प्रकृति कठोर है, इसकी प्रकृति कठोर है क्योंकि संशोधन प्रक्रिया बहुत जटिल है। किसकी? संविधान। इसलिए वह कठोर है क्योंकि इसकी प्रकृति कठोर है, इसकी संशोधन प्रक्रिया बड़ी जटिल है। और संसद के पास बिल का लोक निर्णायक व कैंटों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए, तब ये संशोधन होगा। इसीलिए इसे कठोर और लिखित, लिखित मतलब ये संविधान मौखिक नहीं, लिखित है, लिखा हुआ है। फर्स्ट विशेषता। तो स्विट्जरलैंड या स्विस के संविधान में 197 या 197 अनुच्छेद है। तो इसके बाद है संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट विशेषता है वो है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में हमें समझना है कि संघीय व्यवस्था जो विशेषता है वो स्विट्जरलैंड के संविधान की है। सेकंड विशेषता बताई है जिसमें हम समझेंगे कि केंद्र व कैंटनों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। केंद्र और व कैंटनों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। संविधान में इसे परिसंघ घोषित किया है, परिसंघ घोषित किया है। स्विट्जरलैंड के संविधान ने इसे परिसंघ घोषित किया है, लेकिन वास्तव में यह संघ है। संघ, यह संघ है क्योंकि कोई इकाई संघ से अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई इकाई संघ से अलग नहीं हो सकती है। और संघीय न्यायालय बनाया गया है जो केंद्र तथा कैंटनों के बीच संवैधानिक विवादों का निपटान करेगा। ऐसा कहा, जो संघीय व्यवस्था है इसके अंतर्गत मैंने बता दिया है। और जो संघीय व्यवस्था है ये आपकी स्विट्जरलैंड के संविधान की सेकेंड विशेषता या फिर दूसरी विशेषता। इसके बाद है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट विशेषता है, सभी लिख के जाएंगे जी। तो आपकी दूसरी वाली विशेषता थी तो संघीय व्यवस्था। अब तीसरी विशेषता है प्रत्यक्ष। तीसरी विशेषता जो है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र। अब हमें ध्यान देना है कि तीसरी विशेषता क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। सभी लिखते जाएंगे हर एक को। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है कि संघीय संसद है, संघीय संसद है
जिसके दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचन होता है। संसद जो है उसके दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन होता है, लेकिन मतदाताओं को उपक्रम व लोक निर्णायक के अधिकार दिए गए हैं। मतदाता किसे कहते जो मत देते हैं, उसे मतदाता। ठीक है, कुछ कैंटनों में प्रत्यावर्तन की व्यवस्था। अब बात यह है कि जैसे अगर कहा जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो भाई इसमें जो मतदाता है, मतदाताओं का, मतदाता तो आप जानते हैं लोक निर्णायक में जो है अधिकतर यह है कि जो संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, दोनों सदनों के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, तो उसमें मतदाताओं के उपक्रम व लोक निर्णायक के अधिकार दिए गए। मत प्रकट होगा, उसके बाद सदस्य चुने जाएंगे, सदस्य फिर उसमें नियुक्त किए जाएंगे। ये सब प्रक्रिया प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से की जाती है। इसके बाद आती है नेक्स्ट विशेषता की बहुल कार्यपालिका। बहुल तीसरी विशेषता है, चौथी विशेषता है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका जो है वो स्विट्जरलैंड के संविधान की चौथी विशेषता है। सभी नोट कर लेंगे, बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बहुल कार्यपालिका संघीय शासन में 7 मंत्रीगण हैं। कितने? 7। इस कार्यपालिका में 7 मंत्रीगण हैं जिन्हें राष्ट्रपति कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति। इनके लिए ही राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का ध्यान रखना है, सभी के अधिकार समान है। कैसे हैं? इन सातों के अधिकार समान है और मात्र औपचारिकता के लिए 1 वर्ष को एक राष्ट्रपति को परिसंघ का राष्ट्रपति बनाया जाता है। 7 है, उनमें से 1 साल के लिए 1 मंत्री को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब कहां की बात है? स्विट्जरलैंड की। वहां पर बहुल कार्यपालिका, कार्यपालिका बहुल है, बहुल या फिर बहुल है, अर्थात वहां पर जो है बहुल कार्यपालिका में संघीय शासन में 7 मंत्री हैं और 7ों को एक तरह से राष्ट्रपति का नाम दे दिया जाता। अब जब राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता तो समान 7ों को समान अधिकार देते हैं। जब समान अधिकार रहेंगे तो कार्य भी समान में करेंगे, लेकिन उसमें 1 साल के लिए 1 मंत्री को राष्ट्रपति के पद पर बैठा। कहां की बात है? स्विट्जरलैंड। जब लेकिन जब बैठा रहा उस एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया जाता, उस समय भी समान अधिकार या संघीय परिषद का उसे एक तरह से राष्ट्रपति बनाया या परिसंघ का राष्ट्रपति बनाया। तो इसके बाद अगर देखा जाए कि नेक्स्ट विशेषता क्या है, के नाम से स्विट्जरलैंड के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है समाज कल्याणकारी राज्य। समाज कल्याणकारी राज्य 5वीं विशेषता है। समाज कल्याणकारी राज्य, ये आपके स्विट्जरलैंड के संविधान की 5वीं विशेषता है जिसमें समाज कल्याणकारी राज्य की बात की है। ठीक है, अब जो समाज कल्याणकारी राज्य, इसके बारे में समझेंगे कि केंद्र व कैंटनों की सरकारें समाज कल्याण के काम करेंगे, अर्थात जिसमें समाज का हित हो,
समाज में रह रहे व्यक्तियों को लाभ हो, उनको सुविधाएं हो, उस कार्य को सरकारें करें। ऐसा जैसे सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था की देखरेख करना और काम की मानवीय दशाएं तथा पर्याप्त आवास की व्यवस्था आदि कार्य राज्य और केंद्र और कैंटनों के द्वारा या इन सरकारों के द्वारा ये सुविधाएं समाज में सामाजिक व्यक्तियों को या समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसे हम कहते हैं समाज कल्याणकारी राज्य। जब समाज कल्याणकारी राज्य स्विट्जरलैंड के संविधान की 5वीं विशेषता के बारे में आप देख रहे हैं, ये विशेषता में आप समझ सकते कि जो राज्य केंद्र सरकार है या कैंटन है तो ये सब इनका कार्य या इनके जो है वो समाज में कल्याण करना, समाज के व्यक्तियों का विकास करना, उनको सुविधाएं पहुंचाना, उनकी सुरक्षा करना, देखभाल करना, वर्क देना, आवास की व्यवस्था करना, ये सब। इसके बाद है मौलिक अधिकार। अब नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अब अगर बात की जाए कि मौलिक अधिकार, तो स्विट्जरलैंड के संविधान में अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की प्रत्याभूमि की गई है। स्विट्जरलैंड के संविधान में अगर मौलिक अधिकार देखे जाए तो उन्हें सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, और ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे इसलिए यह मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्तियों को, नागरिकों को प्राप्त। ठीक है, नागरिकों को वहां पर सामाजिक अधिकार प्राप्त है, आर्थिक अधिकार प्राप्त है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। क्यों है? क्योंकि यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, देश में विविधता में एकता कायम रहे, अनेकता को एकता, अनेकता से एकता बनी रहे, या फिर विविधता में एकता कायम रहे, इसलिए वहां पर वहां के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त। ठीक है, अब बात आती है द्विसदनवाद। नेक्स्ट विशेषता है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद सातवीं विशेषता है और इसमें कहा गया द्विसदनवाद। और इस विशेषता में आप देखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड के संविधान में जो द्विसदनवाद की विशेषता दी गई है इसको कैसे समझेंगे, क्या समझना है इसमें, तो संघीय संसद दो सदनात्मक है। स्विट्जरलैंड के संविधान की जो संघीय संसद है, केंद्रीय संसद है, वो दो सदनात्मक है और सीनेट उच्च सदन है। सीनेट उच्च सदन है, प्रतिनिधि सभा निचला सदन है। जैसे संसद होती है अपने यहां पर लोकसभा राज्यसभा है, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसमें ध्यान देना है कि पहले सदन को, उच्च सदन को कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। यह है उच्च सदन। सीनेट कहते हैं उच्च सदन को। और अगर बात करें कि प्रतिनिधि सभा कहते हैं निचले सदन को, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि
सभा कहते हैं निचले स्तर, निचले स्तर ये है निचले स्तर, ठीक है। तो वहां की जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसे सीनेट, उच्च सदन और प्रतिनिधि सभा निचले सदन के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सीनेट में 46 सदस्य होते हैं, जो सीनेट है इसमें सदस्य संख्या 46 होती है, ठीक है, 46 सदस्य संख्या होती है। और अगर बात की जाए कि प्रतिनिधि सभा, जो प्रतिनिधि सभा है इस सभा में 200 सदस्य है, कितने 200 सदस्य संख्या है। स्वयं भारत की संसद जैसे सदस्य संख्या डिफरेंस है या सदस्य संख्या अलग अलग पार्टी का है, ठीक है। जब मैं जटा बात उल्लेखनीय बात है कि सीनेट में हर पूरे कैंडिडेट को दो, लेकिन हर आधे कैंडिडेट को एक स्थान दिया गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट विशेषता है, वो है आपके न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तो ध्यान देना है न्याय पुनरावलोकन में ये आपके स्विट्जरलैंड के संविधान की लास्ट विशेषता, वो है जो लास्ट विशेषता के बारे में समझ लेंगे न्याय पुनरावलोकन के बारे में। तो न्याय पुनरावलोकन एक संघीय न्यायालय केंद्र के कानून को नहीं लेकिन कैंटन के कानून की समीक्षा कर सकता, क्या कर सकता, समीक्षा कर सकता और उसे असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर सकता, असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर सकता। अर्थात न्याय पुनरावलोकन एक ऐसी विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान में जो कि संघीय केंद्र के कानून को नहीं लेकिन कैंटन को, कैंटन के कानून की समीक्षा कर सकता और उसे असंवैधानिक ठहराकर रद्द की कर सकते, ऐसा स्विट्जरलैंड के संविधान। ध्यान रखें कि आपने स्विट्जरलैंड के संविधान को पढ़ा है और इस संविधान में आपको जो बताया गया है विशेषताएं बताई गई है तो इसको आपको नोट करने में है और बाकी का